हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आरआरबी मैथ के 94 में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट को लेकर के एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए निकल के आ रही है। दोस्तों, अब आपका इंतजार समाप्त होने वाला है। यहाँ पे देखिए, दैनिक भास्कर वाले पेपर में दिया गया है नई दिल्ली 17/11/2022 के डेट में, यानी कल ही के डेट में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि आरआरबी ग्रुप डी का परिणाम इसी सप्ताह घोषित होने की संभावना है, यानी कभी भी इसी सप्ताह में आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे दिया गया है रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट का परीक्षा परिणाम इसी सप्ताह घोषित होने की उम्मीद की जा रही है। सूत्रों की माने तो 5 चरणों में आयोजित हुई आरआरबी ग्रुप डी का परीक्षा के 5 चरणों होने का परिणाम एक साथ आ सकता है। तो दोस्तों, जो 5 फेज में आपका एग्जाम हुआ था, उन 5 फेज का जो रिजल्ट आपको एक साथ देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे देखिए, अभ्यर्थी एक साथ इन 5 चरणों का रिजल्ट रेलवे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। छात्रों को इसी परीक्षा से जुड़े सभी अपडेट को ध्यान से पढ़ना चाहिए। यहाँ पे देखिए, दिया हुआ है परीक्षा में चयन प्रक्रिया 3 चरणों में होगा और पहला कंप्यूटर आधारित परीक्षा है जिसका आयोजन हो चुका है। इसके बाद फिजिकल एग्जाम का आयोजन किया जाएगा और अंतिम में मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा। इन तीनों चरणों का सफलतापूर्वक परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को नौकरी दे दी जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों, अब आपका साफ साफ लिख दिया गया है कि आपका जो रिजल्ट है इसी सप्ताह आने की उम्मीद है। इसी सप्ताह में कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कटअप की। कटअप दोस्तों क्या जा सकता है, तो कटअप के ऊपर अब चर्चा थोड़ा सा हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, कटअप तो बहुत कम ही जाने को उम्मीद है और कटअप कम जाएगा भी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे 2018 में अगर हम देखते हैं और 2022 में देखते हैं, 2018 में अगर देखा जाए तो जो पेपर का जो लेवल था इजी टू मॉडरेट था। यहाँ पे जो पेपर था इजी टू मॉडरेट था और यहाँ पे जो पेपर जो 2022 में पूछा गया था यहाँ पे मॉडरेट टू टफ था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला अपनाया गया था 2018 में, नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला अपनाया गया था और यहाँ पे लोगों का 20 से 25 नंबर लोगों का बढ़ा दिया गया था। और यहाँ पे 2022 में क्या होगा कि यहाँ पे परसेंटाइल का नियम अपनाया गया है। यहाँ पे परसेंटाइल होने वाला है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर आपको नहीं देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे 4 से 5 नंबर का अंतर आपको देखने को मिलेगा। अगर वैकेंसी की अगर बात किया है तो यहाँ पे 62,000 वैकेंसी थी और यहाँ पे 2022 में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1,00,000 वैकेंसी है, 1,00,000 से अधिक वैकेंसी है। और यहाँ पे 70% 2018 में 70% लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और यहाँ पे कहीं कहीं पे 30% तो कहीं पे 32% तो कहीं पे 40% लोगों ने एग्ज़ाम इस बार जो है दिया है। तो ये स्वाभाविक बात है कि दोस्तों आपका इस बार जो है कटअप जो है बहुत कम जाने की उम्मीद है। तो दोस्तों, जिनका भी अगर कम नंबर आ रहा है, जिनका भी दोस्तों अगर कम नंबर आ रहा है तो वे लोग घबराए ना दोस्तों, कटअप आपका जो है कम देखने को ही मिलेगा। अब यहाँ पे अगर ओवरऑल कटअप की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर जनरल से आप हैं तो इसका जो है जनरल वालों का जाएगा दोस्तों 56 से 60। अगर ओबीसी है तो ओबीसी का जाएगा 50 से 55 जाने की उम्मीद है ओबीसी की, ओबीसी का 50 से 55। अगर ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का जाएगा 53 से 55। अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप सेफ जोन में है। अगर वही एससी की बात करें, अगर एससी की बात करें तो एससी में भैया आपका 45 से 50 आ रहा है तो आप सेफ जोन में। इससे एक दो नंबर अगर कम भी रहेगा तब भी दोस्तों आपका हो जाएगा। अगर वही अगर एसटी की बात करें तो एसटी की बात करें तो भैया 40 से 45 या 40 से एक दो नंबर अगर कम भी रहता है तब भी आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। दोस्तों 100% आपका सिलेक्शन पक्का होगा, इस बात से आप दोस्तों निश्चिंत रहिए। तो दोस्तों इतना नंबर अगर जिनका भी बनना है तो वो लोग भैया पेट की तैयारी अपना जारी रखें, ठीक है। धन्यवाद।